राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पहले तो आप मेरे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी से मिलिए, इनके दर्शन करें। ये मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी की सारी सर्दियों की पोशाक। मैं किस तरह की पोशाक अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाती हूँ सर्दियों में। तो फ्रेंड्स, ये मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये अब मेरे लड्डू गोपाल जी की सारी पोशाक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की सारी पोशाक। देखिए, ये सब मेरे कान्हा जी की सारी गर्म पोशाक है और इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कलर हैं मेरे लड्डू गोपाल जी की पोशाक के। ये कितनी प्यारी है, ब्लू और पीच कलर में बहुत ही सुंदर लगती है जब मेरे लड्डू गोपाल जी इस पोशाक को पहनते हैं। बहुत सुंदर और सॉफ्ट है बिल्कुल, और मेरे कान्हा जी को इसमें इसे पहनकर सर्दी भी नहीं लगती है बिल्कुल भी। और ये देखिए, वाइट कलर की और पर्पल कलर की बहुत सुंदर ड्रेस है। ये भी गर्म है बिल्कुल। बहुत सुंदर सुंदर कलर कॉम्बिनेशन की ड्रेस है, कितनी प्यारी है। रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन है और इसमें तो कैप भी है। इतनी सुंदर लगती है जब मैं अपने कान्हा जी को पहनाती हूँ ये सुंदर सुंदर सी प्यारी सी पोशाक सर्दियों में। और मर्जेंटा कलर की कितनी सुंदर पोशाक है, बहुत सुंदर सी प्यारी सी। तो बहुत ही अच्छा लगता है अपने कान्हा जी की सेवा करना। और ये ना हाथ से बनाया हुआ छोटा सा कम्बल है मेरे कान्हा जी का, तो हम सर्दियों में उड़ा देते हैं ये सुंदर सा कम्बल। और ये सुंदर कितनी प्यारी सी पोशाक है, इतने सुंदर सुंदर कलर है। ये फ्रोजी और येलो कलर कॉम्बिनेशन में है, कितनी सुंदर लग रही है। इसका इसमें हल्का लाइट कलर आ रहा है लेकिन येलो कलर बहुत ही सुंदर कलर है इसका कॉम्बिनेशन, फ्रोजी और येलो कलर का। बहुत सुंदर लग रही है ये भी जब मेरे कान्हा जी पहनते हैं इसको भी। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी सुंदर पोशाक है, क्रीम और पिंक कलर में, गाजरी सा है, ये गाजरी कलर है, हाँ पिंक और गाजरी कलर में है। ये बहुत ही सुंदर लगती है मेरे कान्हा जी जब इसको भी पहनते हैं। और ये ऑरेंज और ग्रीन कॉम्बिनेशन में कितनी सुंदर है ये, कितनी प्यारी ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और ग्रीन कॉम्बिनेशन में इतनी सुंदर ड्रेस लगती है जब कान्हा जी पहनते हैं। बहुत ही सुंदर लुक है इसका भी और बिल्कुल गर्म है, इसने पहन के मेरे कान्हा जी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और ये पिंक और हल्का ग्रीन बहुत ही सुंदर है ये भी। ये फर वाले में है, जैसी फर वाली ऊन आती है उसी की बनी हुई है क्रोशिए से। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत सुंदर लगते हैं कान्हा जी इसको पहन के। ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मेरे कान्हा जी का छोटा सा स्टॉल है, छोटा सा स्टॉल है। इसको मैं उड़ा देती हूँ जब ज़्यादा ठंड होती है, या दिन में भी हम इसको उड़ा देते हैं अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को। और ये हल्की उसमें हल्के कपड़े में है, गर्म है लेकिन हल्की है, ये वेलवेट टाइप में है कुछ, तो अच्छी लगती है ये भी। इसके नीचे इन्हें पहना दो फिर इसको पहना देते हैं ऊपर से, तो अच्छी लगती है ये वाली भी। इस तरह की भी कई पोशाक मैंने अपने कान्हा जी के लिए ला रखी है, जिसे हल्की ठंड शुरू होती है तब पहनाती हूँ, और अब जैसे ज़्यादा ठंड होनी शुरू हो गई है तो अब मैं इनको नीचे पहना देती हूँ, फिर इनके ऊपर ये हैवी वाली पोशाक पहना देती हूँ, गर्म हैवी वाली पोशाक पहना देती हूँ। ये भी मैंने कितनी ले रखी है, और गर्म इनर पहना देते हैं या फिर कॉटन वाली पोशाक जो है गर्मियों की वो वाली पहना देते हैं, उनके ऊपर भी इनको पहना देते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं कान्हा जी। और ये कितनी प्यारी है ब्लू और वाइट में, नहीं क्रीम, ब्लू और क्रीम में बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर लगती है पहन के। और इन सब की कैप भी है मेरे कान्हा जी के पास, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। और ये कितनी प्यारी है पर्पल और येलो कलर की पोशाक है, ज़्यादातर मैं येलो कलर की पोशाक एकादशी और पूर्णिमा के दिन पहनाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को, तो ये भी बहुत ही सुंदर लगती है कान्हा जी पहन के, बहुत ही प्यारे लगते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, इसको भी पहन के बहुत ही सुंदर लगती है और बिल्कुल गर्म है। और एक ये कितनी प्यारी पोशाक है, ये भी पिंक और क्रीम कॉम्बिनेशन में है, बहुत ही सुंदर लगती है ये वाली, इसके साथ भी कैप अटैच है और बहुत प्यारे लगते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी जब पहनते हैं सर्दियों में अपनी ये ऊनी
पोशाक तो बहुत सुंदर लगते हैं और ठंड भी नहीं लगती है मेरे कान्हा जी को। और कितने आराम से बैठे हुए हैं, एक ही पहनी हुई है येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में, छोटी सी प्यारी सी कैप भी पहने हुए हैं मेरे कान्हा जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और एक ये है गाजरी कलर की है और ब्लू कलर का बॉर्डर है, बहुत ही सुंदर पोशाक है मेरे लड्डू गोपाल जी की, बहुत प्यारे लगते हैं इसमें भी पहन के। मैंने कल पहनाई थी और कल मेरे लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर कि नज़र ना लगे मेरे कान्हा जी को, बहुत ही प्यारी मैंने वो फ़ोटो भी डाली है। और बहुत ही सुंदर मेरे लड्डू गोपाल जी लग रहे थे, हमारे कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, सभी के लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और किसी दिन बिल्कुल अलग सा स्वरूप बना लेते हैं, मानो के बस देखते ही रहो, इतने प्यारे लगते हैं लड्डू गोपाल जी। और फ्रेंड्स, जैसे ये गर्मियों की है तो मैं इन्हें नीचे पहना देती हूँ कई बार, और इनके ऊपर फिर मैं ये गर्म पोशाक पहनाती हूँ, तो फिर बहुत सही रहता है, अंदर ठंड भी नहीं लगती है। और इस टाइप के भी मैं जैसे ये बनाई हुई है गर्मियों में, तो इनको नीचे पहना देते हैं, फिर उसके ऊपर हम गर्म पोशाक इस तरह लड्डू गोपाल जी को पहना देते हैं, जिससे कि लड्डू गोपाल जी को चुपती नहीं। और कॉटन की नीचे पहना देती हूँ या गर्म इनर पहना देते हैं, और उसके ऊपर ये उलन की ड्रेस गर्म पोशाक हम पहना देते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं। तो सर्दियों में मैं इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती हूँ। फ्रेंड्स, मन से भाव से मेन होता है, हमारे मन का भाव सच्चा होना चाहिए प्रभु के प्रति, तो प्रभु हमारे उसको स्वीकार करते हैं। और कुछ पोशाक मैं और नहीं लेके आऊँगी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, गर्म इनर लेके आऊँगी कान्हा जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और फ्रेंड्स, ये मैंने अभी ये मेरे कान्हा जी के पास सभी पोशाक, ये मेरे लड्डू गोपाल जी की गर्म पोशाक के मैचिंग की सभी कैप हैं, इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी छोटी छोटी कैप है जिनसे कान्हा जी को ठंड नहीं लगती है। और मैं मैचिंग के साथ में लड्डू गोपाल जी को ये सब कैप पहनाती हूँ सर्दियों में। अब सर्दी तो शुरू हो चुकी है, अब काफ़ी ज़्यादा होने भी लगी है, बच्चों के लिए तो बहुत ठंड है अब, तो अब मैं अपने कान्हा जी को कैप पहना देती हूँ और पगड़ी भी पहना देती हूँ कई बार मैचिंग की। और ये सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी कैप है, बहुत सुंदर लगती है जब कान्हा जी पहनते हैं अपनी पोशाक, गर्म पोशाक पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, तो बहुत ही प्यारे हमारे लड्डू गोपाल जी लगते हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और फ्रेंड्स, मैंने आज की वीडियो में आपको अपने लड्डू गोपाल जी की सारी गर्म पोशाक दिखाई है, और कुछ और नई पोशाक मैं लेके आऊँगी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और ये सब मैंने आपको दिखाई है, ये एक टोकरी है छोटी सी, तो इसमें भी रख देती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक, और जिससे कि मुझे निकालने में, इसमें से मुझे ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, आराम से निकाल के मैं रख देती हूँ और सुबह के समय अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाती हूँ। और ये बास्केट भी है छोटी सी, एक बास्केट भी बनाई हुई है, इसमें मैं कान्हा जी की सारी पोशाक रख देती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाई अपने लड्डू गोपाल जी की गर्म पोशाक और कैप, और अपने कान्हा जी के सुंदर से प्यारे से दर्शन कराए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का ऐसे ध्यान रखें, गर्म पोशाक पहनाएं लड्डू गोपाल जी को, सर्दियों में मन और भाव से जब सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।